अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मेरे मसाले ख़त्म हो गए थे, तो ये मैंने मसाला जो कूटते हैं ना वहाँ से लेकर आती हूँ। पहले मैं एवरेस्ट का यूज़ करती थी, पर अभी एवरेस्ट का यूज़ नहीं करती हूँ। जहाँ से ये मसाले कूटते हैं हमारे घर के पास, वहाँ से ये मसाला, इसमें कलर वाली मिर्ची भी है और तीखी मिर्ची भी है, दोनों मिक्स करके लेकर आई हूँ। और ये कस्तूरी मेथी जो मुझे हर चीज़ में लगती रहती है। ज़ीरा मेरा ख़त्म हो गया तो ज़ीरा लेकर आए। ज़ीरा भी बहुत महंगा हो गया, पाव किलो 100 रुपये का ज़ीरा हो गया। इसमें दो क्वालिटी का रहता है, पर ये जो क्वालिटी है ये अच्छी क्वालिटी, इसमें जो हल्की क्वालिटी रहती है ना, उसमें क्या होता है अपन तेल में डालेंगे ना तो कलर छोड़ता है, तो ये थोड़ा अच्छा वाला ज़ीरा है। तो बस आज ये सब मेरा काम चालू है, मसाले ख़त्म हो गए। मेरा गरम मसाला भी ख़त्म हो गया था, तो आज मैं गरम मसाला भी सब लेकर आ गई। इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिरी, सब कुछ है, चक्री फूल, सब इसको मैंने अच्छे से तोड़कर अभी इसमें तेज़पत्ता भी डाली हूँ और इसको सबको मैं मसालों को अच्छे से भून लूँगी। तो मैं ये सब मसालों को अच्छे से इसको भून लूँगी। इसको जलाना नहीं, बस इसमें जैसे खुशबू आने लगेंगी तो इसको उतार लूँगी मैं। तो सब मसालों को भून के पीस लूँगी, तो अभी मेरे कम से कम 2 महीने की फुर्सत हो जाएंगी, अभी ये मैं बना लूँगी। तो यही पतीली में मैं अक्खा धनिया डाल दूँ, इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर ली, इसको भी भून के ये मैं अलग पीस के रखती हूँ, जिसमें मुझे गरम मसाला नहीं डालना है, कभी खाली धनिया ही डालना है, तो फिर मैं ये यूज़ करती हूँ। तो अभी इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। तो मेरा ये धनिया अच्छे से भून गया है, इसको गैस को मैं बंद कर दूँगी। और अभी ये ठंडा हो जाएगा तो इसको, तो अब ये जो मसाले मैंने गरम करी हूँ, जो मसाले को मैंने भुनी हूँ, ये सब ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद ये इन सबको मैं पीस लूँगी। अभी मैं गैस बुझा दी हूँ, फिर भी इसको हिला रही हूँ, इसलिए कि नहीं तो ये पतीली गरम है ना, तो जो नीचे रहेगा वो जल जाएगा, इसलिए हिला रही हूँ इसको। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मसाला पीस के हो गया है, और ये है धनिया जो मैंने भुनी थी, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। गरम मसाले की खुशबू तो आप लोग जो तैयार लाते हैं, जो घर में पीसे वैसे खुशबू तो आती नहीं, कितने भी अच्छे क्वालिटी का तुम ले लो, और इसकी खुशबू अलग है। जब पीस रही थी तो मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी। तो ये मैंने आधे से ज़्यादा बरनी में ले लूँ, और ये एक्स्ट्रा है जो मैं उठा के रखूँगी, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं ये लूँगी। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची भी लेकर आ गई थी, मेरी हरी मिर्ची जो पीसी हुई रहती है तो वो ख़त्म हो गई थी। इसको मेरे को क्या सब्ज़ी में भी लग जाती हरी मिर्ची, कुछ लोग कुछ भाजी नहीं खाते तो उन लोग मुझे ऑमलेट का ऑर्डर दे देते, तो ऑमलेट के लिए मुझे ये पीसी हुई मिर्ची बहुत काम आती। इसमें मैं ये कोथमीर भी डाल देती हूँ, तो ऑमलेट में इसका टेस्ट और अच्छा आता है, और ऐसे मुझे भाजी में भी काम आ जाते हैं। तो इसको मैं अभी पीस के रख लूँगी। तो यहाँ पर मेरी हरी मिर्ची अच्छे से पीस के हो गई है। इसमें मैंने थोड़ा सा, आधा चाय का चम्मच छोटा सा नमक मिलाई हूँ, और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच तेल गरम कर रही हूँ, ये इसमें मैं डाल दूँगी, तो इससे जो हरी मिर्ची का कलर है ये काला नहीं पड़ता है। मैं हमेशा जब मिर्ची पीसती हूँ तो इसी तरीके से रखती हूँ। तो ये तेल मेरा गर्म हो गया है, इसको मैं, ये गर्म तेल को मैं इसमें मिला दूँगी। और इसको भी अच्छे से ऊपर नीचे मिला दूंगी। अब ये 15 दिन तक मेरी मिर्ची ऐसी रही, खराब नहीं आई। तो आज मेरे सब मसाले तैयार हो गए, देख लो सब मसाले अच्छे से आज तैयार हो गए मेरे। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करो। दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।